हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और ये आपकी क्लास 29 है। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है आपका, ये बेसिकली एक स्टडी पे बेस्ड है जो स्टडी कंडक्ट की गई है ये देखने के लिए कि किस तरीके से अनप्लान डेवलपमेंट सेंट्रल वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो जितने भी अनप्लान डेवलपमेंट हो रहे हैं सेंट्रल वेस्टर्न घाट के आसपास, उसकी वजह से जो सेंट्रल वेस्टर्न घाट है उसकी इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो स्टडी है ये चार लोगों ने कंडक्ट करी है। उनके नेम आपके इस तरह हैं, टीवी रामचंद्र, एस भारत, एस विनायक, विनय एंड एस शशिकरण। तो ये चार लोग हैं जिन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट करी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है बेलगाम की, ये दोनों ही जगह से ये लोग हैं और इन्होंने ये स्टडी अंडरटेक की है। और उसके अलावा इन्होंने ये भी देखा है कि किस तरीके से जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है इकोलॉजी का या इकोलॉजी का सेंट्रल वेस्टर्न घाट में, उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ें इस स्टडी में कंडक्ट की गई हैं। ये जो स्टडी है ये स्टडी फोकस करती है रिवर काली पे। रिवर काली के मतलब रिवर काली का मतलब रिवर है जो कि उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ओरिजिनेट करती है और ज्वाइन करती है ये अरेबियन सी को। तो इसका ओरिजिनेशन जो है पॉइंट है वो है उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एंड ये ज्वाइन करती है अरेबियन सी। तो ये रिवर जो है इस पर 6 मेजर डैम्स हैं, 325 स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा है एंड 190 स्पीशीज़ ऑफ फौना है। और ये रिवर उतनी ही ओल्ड है जितनी वेस्टर्न घाट ओल्ड है। तो ये रिवर के ऊपर ये स्टडी की गई है। अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें कि स्टडी की क्या फाइंडिंग्स हैं, तो पहली तो फाइंडिंग ये है कि अनप्लान डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड लैंड यूजेस पैटर्न्स आर रिड्यूसिंग द एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर एंड पेरिनियल स्ट्रीम्स इन सेंट्रल रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन इंडिया। तो इन्होंने पहले बोला है कि जो अनप्लान डेवलपमेंट हो रही है, जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसकी वजह से जो फॉरेस्ट कवर है वेस्टर्न घाट का वो दिन ब दिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और लोग जिस तरीके से कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसकी वजह से फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट जो इनकी फाइंडिंग है वो ये है कि रिसर्चर बाय स्टडिंग द रिमोट सेंसिंग डेटा फाउंड दैट बिटवीन द ईयर 1973 एंड 2016 द फॉरेस्ट कवर हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 85% एंड 55%। तो रिसर्चर जो थे ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिमोट सेंसिंग डेटा को स्टडी किया और उसके बाद इनको पता चला कि 1973 से 2016 के बीच में ऑलमोस्ट 85% जो फॉरेस्ट कवर था वो 55% ही रह गया है, इतना ज़्यादा फॉरेस्ट को लॉस हुआ है। द लैंड यूज पैटर्न इन द रीजन हैज़ चेंज ड्यूरिंग 1980 टू 2000 पीरियड ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज डैम्स बिल्ड ऑन रिवर काली। तो क्या क्या जो लैंड यूज पैटर्न है वो कैसे चेंज हुए, क्यों इतना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हुआ है। तो पहला तो रीज़न ये था कि जो डैम्स बने थे रिवर काली पे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ। फिर केगा न्यूक्लियर प्लांट वहाँ पे डेवलप किया गया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ, एंड दम्बेली पेपर मिल भी के वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ फॉरेस्ट का। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आपके डैम बन जाते हैं तो आसपास के जो एरियाज हो जाते हैं वो थोड़े ज़्यादा इरिगेशन में आ जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और लोग वहाँ पे भी पेड़ों को काट के कल्टिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे लैंड को नुकसान हुआ। और उसके अलावा जब बन रहा था ये सारी चीज़ें, जब कंस्ट्रक्शन हुआ उस टाइम पे भी आसपास की जो फॉरेस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। एज अ रिजल्ट द एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव श्रंक बाय द 62% टू 38.5% ड्यूरिंग 1980 टू 2000 पीरियड। तो 19 मतलब आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि 2000 तक में 38.5% ही फॉरेस्ट रह गया और बाकी सारा जो था 30% ऑलमोस्ट फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, उसको काट दिया गया। एंड लार्ज वाटर रिजर्वायर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर। और फॉरेस्ट कवर की वजह से मतलब फॉरेस्ट कवर को नुकसान पहुंचाकर वहां पे वाटर रिजर्वायर्स बनाए गए हैं। इवन दो रिवर काली हैज सफिशियंट वाटर सप्लाई एंड perennial streams in the ghat and coastal areas, reason that lie in plain lands with a higher degree of agriculture and cultivation have an intermittent and seasonal flow that has led the water scarcity for 4 to 9 months in a year. तो बेसिकली रिवर काली जो रिवर है उसमें बहुत ज़्यादा पानी था, सफिशियंट उसके पास वाटर सप्लाई थी। इवन इतने ज़्यादा डैम्स बनने के बावजूद जो पेड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई हुई या जो
डीफॉरेस्ट्रेशन हुआ उसकी वजह से रिवर काली का जो वाटर लेवल था वो रिड्यूस हो गया, और ये 4 to 9 months ऑलमोस्ट जो ईयर होता है उसमें यहाँ पे वाटर शॉर्टेज हो जाती है, तो ये इन्होंने बोला है। और बेसिकली वहाँ पे जब भी डैम्स वैम्स बनाए गए होंगे तो वहाँ पे रिवर जो मतलब आपका जो फॉरेस्ट था उसमें जिन लोगों ने डैम बनाया या जो लोग वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे, चाहे आपके वो मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन्होंने वहाँ के फॉरेस्ट को काटा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे लैंड जो था, वहाँ पे लैंड की जो आप कह सकते हो जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुई है। द स्टडी साइटिंग पेरिनियल स्ट्रीम्स वर फाउंड इन रीजन दैट हैज़ ग्रेटर देन 70% ऑफ द फॉरेस्ट कवर लिंक इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी विद लैंड यूज। तो इन्होंने यही बताया कि जो स्ट्रीम्स थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, और जो 70% फॉरेस्ट कवर था वो जो वाटर से यूज था वो भी अब कम हो गया है। रिसर्चर प्रपोजेज दैट फॉरेस्ट विद नेटिव स्पीशीज एंड वेजिटेशन प्ले ए पाइवोट रोल इन इन्हांसिंग द वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी ऑफ द कैचमेंट। इन्होंने रिसर्चर्स ने ये भी बोला है कि अगर आप फॉरेस्ट काट देंगे तो जो रिवर होगी उसकी जो कैचमेंट कैपेबिलिटी थी या उस एरिया की जो वाटर रोकने की कैपेबिलिटी थी वो अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, जैसे पानी बरसा आपके जो मतलब आप कह सकते हो कि जो आपका रेनी सीजन है उस टाइम पे पानी आया, और जब फॉरेस्ट होते तो ये यहाँ पे क्या करते, ये पानी को स्टोर कर लेते हो, और रिवर की जो जो बेसिक जो कह सकते हो कि जो लेवल होता है, जो लेवल ऑफ वाटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह से। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पानी ऑफकोर्स बह जाएगा और यहाँ पे कोई भी चीज़ कैचमेंट नहीं रह जाएगी, मतलब पानी रुकेगा नहीं जमीन के अंदर। तो ये इन्होंने बोला है कि फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर आप फॉरेस्ट काटोगे और डैम बनाओगे तो अगेन वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, उससे आपको फ़ायदा नहीं होना है, उससे आपको नुकसान ही होना है। द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी शो दैट विलेजर्स इन द विसिनिटी ऑफ नेटिव फॉरेस्ट अर्न ₹1.54 लाख पर एकर ईयर एज कम्पेयर टू 32,000 इन विलेजेस विद स्ट्रीम कैचमेंट एक्सपीरियंसिंग डिफॉरेस्टेशन। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जो ऐसे विलेजर्स हैं जिनके विलेज वहाँ पड़ते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, वो लोग ऑलमोस्ट 1.54 मतलब लाख जो रुपी हैं वो कमा लेते हैं साल भर में एक एकड़ के ऊपर। बट जो वो लोग हैं जो विलेज के आस जो वहाँ पर रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, उनको सिर्फ 32,000 रुपीज़ ही मिल पा रहे हैं साल के पर एकड़, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पानी का जो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और पानी का लेवल बहुत कम है। दिस कन्फर्म्स द वाइटर रोल ऑफ नेटिव फॉरेस्ट इन सस्टेनिंग वाटर एंड पीपल्स लाइवलीहुड। तो ये इसको अगर आप देखो इस डेटा को तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेस्ट का कितना बड़ा रोल होता है वाटर को सस्टेन करने में और पीपल को मतलब इंक्रीज उनकी लाइवलीहुड को बेटर करने में। द स्टडी कंक्लूड्स दैट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय इंजीनियर्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इरोजन ऑफ वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी इन द रिवर कैचमेंट विद सीवियर वाटर स्कार्सिटी। और स्टडी ने ये भी बताया कि जो इंजीनियर्स थे वहाँ पे जिन्होंने डैम बनाया, जिन्होंने वहाँ पे मिल्स बनाई और जो सारा जो मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उनकी वजह से उन्होंने जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की उसकी वजह से इरोजन हुआ वाटर रिटेंशन लेवल का, और रिवर कैचमेंट का जो कैपेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। द स्टडी रिकमेंड्स गवर्नमेंट एजेंसीज टू एस्टेब्लिश बेटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज टू मेंटेन फॉरेस्ट कवर फॉर फूड एंड वाटर सिक्योरिटी। तो इसके साथ साथ ये भी बोला गया है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को समझाया गया है कि आप बेटर मैनेजमेंट लागू करिए, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज लागू करिए, ऐसे लोग को वहाँ भेजिए जिनको पता हो, जिनको नॉलेज हो, और उसके साथ साथ उनको बताइए कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट कवर को बचा सकते हैं एंड उसके साथ साथ हम फूड एंड वाटर सिक्योरिटी को भी रिटेन कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक ये जो स्टडी थी, ये उसकी फाइंडिंग्स थी। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।